सकते हो आप लोग, मेहमान आ गए हैं और दूर के मेहमान सबसे पहले आए हैं। हमारी सिस्टर आ रही है। वन फोटो गर्वित सर, शांति सर वन फोटो। तो वेलकम आप लोगों का, वेलकम न्यू होम। मैम सोलो, मैम सोलो, मैम सोलो, मैम वन सोलो, सोलो वन सोलो, सोलो पहला पहला। और इनका बाबू भी आ रहा है और छोटी वाली आगे आगे, तो दूसरी भी आ रही है, दूसरे लोग आ सके, दूसरे लोग तो वो भी इन... तो ये बहुत बढ़िया हो गया, स्वागत है इनका बहुत बहुत। तो ये देखो, ये है इनकी बड़ी बेटी और इनके जवाई राजा भी आ गए। तो चलो भाई, सब लोगों का स्वागत है और जल्दी जल्दी ये आ गई है। अरे स्कूल बच्चे नॉट अलाउड। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। और बढ़िया बढ़िया, ठीक है? हाँ बढ़िया। तो ये वेलकम 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 सबका। ओके नमस्ते नमस्ते, वाह गुड गुड गुड। तो अभी सारे मेहमान यहाँ पे फटाफट दन दन आ रहे हैं। चलो अब हम आ गए हैं यहाँ पे और ये है मेरी बहना सबसे बड़ी वाली और आई है ये देहरादून से। हाँ, और देख सकते हो आप लोग, और ये इनका बेटा है। हेलो। तो ये हीरो है, देखो इनका हीरो मतलब हमारा हीरो। इतना फेम पसंद है। ओह ज़्यादा ज़्यादा बोले क्या? तो ये आए हैं देहरादून से, आप लोग देख स्मार्ट बॉय। तो कुछ बोलना चाहोगे आप? ये नहीं शक्ति निया ग्लोबल नाइस। ठीक हो? हां ठीक हो, आप सुनाओ। ये लोग जय जी नमस्ते। तो ये आ चुके हैं। अच्छा, ये चाचा जी की बड़ी बेटी। अच्छा, इधर पहुंच चुके हैं। नमस्ते। और भाई आज क्या बोलना चाहोगे? थोड़ा अभी बोलेंगे, पहले एक बार सब करेंगे। अरे दो शब्द बोलो भाई। बहुत बहुत खुशी हो रही है। और क्या हो रहा है? पापा का ड्रीम जो था कि मेरा घर बन जाए गुड़गांव में, बस पूरा हो गया। तो सारे तो गाय वनस्पति इत्यादि का सेवन करती थी, तो काम धेनु समुत्पन्न और गाय के दूध से ही पूजा होती थी। किसी बच्चे को माँ का दूध ना हो तो उसको भी गाय का दूध देने की सलाह डॉक्टर लोग भी देते हैं आजकल। गाय का दूध सफेद होता है, गाय के दूध में स्वर्ण पाया जाता है। माता के दूध की तरह गाय का दूध शुद्ध होता है, हम गौ माता भी कहते हैं। गाय को का दूध बच्चों को पिलाते हैं, तो इसलिए गाय की परंपरा शुरू से हमारे विख्यात है। गौमूत्र का छिड़काव करना और गोबर की लिपाई करना, गाय का दूध पीना, ये परंपराएं आदिकाल से चली आई है। इसी को कहते हैं काम धेनु समुत्पन्न। दही आया मिलते वो भूल गाय, ये दही है। दही को खाने से देह की पुष्टि होती है। यदि हमारे शरीर को आराम से एनर्जी चाहिए तो क्या खाना चाहिए? दही का सेवन करना चाहिए। हमारे बुजुर्ग लोग दही छान मठा खूब खाते, तो आजकल की हम कोल्ड ड्रिंक और जूस, तब आज तो वो चीजें सही नहीं है। इसलिए हमें दही का सेवन करना चाहिए, उसका भी आवश्यकता है दही की पुष्टि के लिए। हम आज शादी में बच्चों को हम जो है मधुपर्क खिलाते हैं, उसको चटाते भी हैं कि देह की पुष्टि हो। इस प्रकार नाम पंचानंदेतनम और केंद्र वालों और कश्यापन देवदार में ये पंचामृत है। दूध दही घी शहद इत्यादि मिला है, पांचों चीज अमृत भी है। जब पांचों चीज भगवान के चरणों में चढ़ जाती है तब यह चरणामृत बन जाता है। चरणामृत सबको प्रसाद के बाद ठाकुर के बाद Yeah.
तो अभी हवन हो गया है पूरा। चाचा जा रहे मंदिर में। आप चलो, तो अभी छत में जा रहे हैं पूजा करने और बाकी सब आ रहे हैं और चाची और मम्मी पंडित जी भी आ रहे पीछे। तो चलो और छत में होएगी पूजा। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी तेज धूप हो रही है। तो आ रहे हैं सारे। तो सूर्य देव की पूजा हो रही है ना। तो सूर्यदेव की पूजा हो रही है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। धूप भी बहुत तेज है। क्या तुलसी कहाँ पे है चाचा? हाँ हाँ हाँ, यही है।
ये तुलसी घर में लगनी चाहिए और जहाँ विष्णु हो तो वहाँ लक्ष्मी सतो आती है, जहाँ आप जाओगे सतो आ जाएंगे। तुलसी भी कहा विष्णु हो तो वहाँ लक्ष्मी अपने आप आएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान से बरकत रखे, इस प्रकार पूजा करते हैं। बोलो भगवान की जय। एक घर परिक्रमा कर लो, अब घर जाएंगे हाथ तो फूल लीजिए, खाली हाथ हाथ फूल लीजिए। बोलो ओम हरि ओम बोल के शर्मा ऐसे घूम यहाँ जैसे घूम रहे हो। तो होगी परिक्रमा, जय हो। सूर्य पूजा होगी, तुलसी पूजा होगी और परिक्रमा भी होगी है, हवन हो गया है। तो ये देख सकते हो आप लोग, बहुत बढ़िया हो गया है। और यहाँ पे धूप भी बहुत तेज है। और ये क्या पी रही है, क्या पी रही हो आप, पानी? तो होगी है पूजा सूर्य देव की, तुलसी माता की। तो भाई चाची कैसा लग रहा है आप मुझे बताओ, बढ़िया लग रहा है ना? और चाची का घर बन गया, बहुत ही ख्वाहिश थी चाची और चाचा के, मेरे तो बन गया है। और माता रानी की कृपा रही है, आगे भी सब बड़े होने, आगे हमारे भाई की शादी भी होगी धूमधाम से, आगे शादी का नंबर है। तो जल्दी जल्दी खुशी आने वाली है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो देख सकते हो आप चाचा और पापा जी। चलो चलो चलो, तो चलते हैं हम नीचे। और ये है मेरी मामा, आरती करेंगे ना, और पंडित जी से भी कुछ। हाँ पंडित जी, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे आज मीडिया प्रभारी आए हैं, बहुत सुंदर बहन जी अच्छा काम कर रही हैं। और हमारी संस्कृति और सभ्यता और संस्कार की बात है, आज यहाँ पर पूजा के माध्यम से श्री किशन सिंह विश्व के निवास पर हो रही है। तो सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्थान का नाम है भवनसी भवानी निकले मारती कुंज दक्षिण गुड़गावा श्री सोना क्षेत्र मध्य करते। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। चल ले फोटो। और मेरे मम्मी पापा, अरे फोटो।